नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही खास पुरुषों के एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया क्या है, किन किन कारणों की वजह से ये डेवलप होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का गायनेकोमेस्टिया से क्या संबंध है, क्या जिन लोगों के टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है क्या उनके अंदर गायनेकोमेस्टिया बनता है या नहीं, इसके साथ में क्या क्या तरीके इसको ठीक करने के होते हैं और नेचुरल तरीके से बिना सर्जरी या ऑपरेशन के गायनेकोमेस्टिया को कैसे ठीक किया जा सकता है और होम्योपैथिक मेडिसिन का इसमें क्या रोल रहता है, कौन कौन सी मेडिसिन किस पावर के अंदर कितने समय तक दी जानी चाहिए और ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है, साथ साथ में अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो कैसे आप परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ दोस्तों इस वीडियो के साथ साझा की जाएगी। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसका जेन्युइन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप तक पहुँचाया जाए। इसी क्रम के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं गायनेकोमेस्टिया। दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया का सरल भाषा के अंदर यही मतलब होता है कि मेल के अंदर या पुरुषों के अंदर जो ब्रेस्ट की साइज़ होती है वो नॉर्मल साइज से बढ़ के अब नॉर्मल साइज में या बड़ी साइज में दिखने लग जाती है। दोस्तों, इसके अंदर जो भी ब्रेस्ट ग्लैंड्स होती हैं उनकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे साइज में बढ़ के जो मेल ब्रेस्ट होता है उसकी साइज को बढ़ा देते हैं और उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। अब दोस्तों, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ब्रेस्ट की जो ग्लैंड्स होती हैं उनका साइज बढ़ने लग जाता है और वो नॉन कैंसरस होती हैं, किसी तरीके का कैंसर डेवलप नहीं करती, यानी कि 99% लोगों के अंदर गायनेकोमेस्टिया नॉन कैंसरस होता है। ये गायनेकोमेस्टिया आपकी एक ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट के अंदर हो सकता है। ज़्यादातर जो 75% जो लोग होते हैं उनके अंदर गायनेकोमेस्टिया स्वतः ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, 25% लोगों को ही ट्रीटमेंट की या किसी भी तरीके के एक्सटर्नल कन्वेंशन ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया एक साथ में स्यूडो गायनेकोमेस्टिया भी होता है जिसके अंदर एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू बढ़ने लग जाते हैं। तो इसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जरूरत होती है कि किस तरीके से स्यूडो गायनेकोमेस्टिया को गायनेकोमेस्टिया से अलग कर सकते हैं। इसके लिए मेमोग्राम करवा सकते हैं, सीटी स्क्रीन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या इन तमाम साधनों के साथ में इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो दोस्तों, सबसे खास ये है कि ब्रेस्ट के अंदर पेल्पेट करने पे या छूने पे एक गांठ सी नज़र आने लग जाती है, जो गांठ कई बार दर्द भी आपको महसूस हो सकता है, उसको दबाने से हल्का दर्द महसूस हो सकता है या मूवमेंट करने से या घूमने फिरने से जर्क लगने से उनके अंदर दर्द महसूस हो सकता है। कुछ जो केस होते हैं दोस्तों एसिम्प्टोमेटिक केस होते हैं गायनेकोमेस्टिया के साथ साथ के अंदर, कुछ जो केस होते हैं उनके अंदर निप्पल से डिस्चार्ज भी होने लग जाता है और जो निप्पल के पास में जो एरियोला होता है जो कलर के अंदर पिगमेंटेड और एरिया होता है वो भी साइज के अंदर बढ़ने लग जाता है और जो मेल ब्रेस्ट जो होते हैं वो साइज के अंदर फीमेल की तरह नज़र आने लग जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, यानी जिन लोगों के अंदर या मेल के अंदर ब्रेस्ट साइज की बढ़ने लग जाती है उन लोगों को दिमागी रूप से या इमोशनल तरीके से वो लोग परेशान रहने लग जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं तो उनको ऐसा लज्जा महसूस होने लग जाती है कि लोग मेरे को क्या कहेंगे कि आपके महिलाओं की तरह ब्रेस्ट की साइज हो रही है, वो अलग नज़र से देखेंगे। तो ये जो तमाम जो दिक्कतें होती है दोस्तों उनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ उनको ले जाती है, तब जरूरत पड़ती है आपको ट्रीटमेंट की। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये जो गायनेकोमेस्टिया होता है किन कारणों की वजह से डेवलप होता है, कारण समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, कारण अगर समझ जाते हैं, इस कारण का अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए तो आपका गायनेकोमेस्टिया स्वतः ही ठीक हो जाता है या कुछ केसेस के अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो सबसे बड़ा जो कारण, मोटा कारण आता है गायनेकोमेस्टिया का, वो होता है हार्मोनल इम्बेलेंस। अब वो कौन से हार्मोन होते हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि दोस्तों मेल के अंदर या पुरुषों के अंदर एक खास हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको अपना टेस्टिस या अंडकोशों के थ्रू बन के बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, जो मेल सेक्सुअल करेक्टर को मेंटेन करता है, यानी कि जो मर्दानगी के जो लक्षण होते हैं उनको वो अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन की बॉडी के अंदर दोस्तों नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर होता है तो हर चीज़ बैलेंस रहती है, लेकिन जैसे ही टेस्टोस्टेरोन की बॉडी के अंदर कमी आती है और एक फीमेल हार्मोन जो मेल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है एस्ट्रोजन, अगर उसकी अधिकता होने लग जाती है कंपेरेटिव टेस्टोस्टेरोन के, तो बॉडी के अंदर अलग साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं और गायनेकोमेस्टिया धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है।
अब दोस्तों टेस्टोस्टेरोन से संबंधित हमारा एक वीडियो पहले भी आ चुका है, लेकिन इसके वर्क के बारे में या क्या वर्क बॉडी के अंदर करता है, तो इसका खास जो लक्षण होता है दोस्तों, मेल सेक्सुअल जो ड्राइव होती है, जो डिजायर होती है, उसको मेंटेन करता है, साथ साथ के अंदर इरेक्शन जो होती है, इरेक्शन उसको भी मेंटेन करता है। इसके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए भी ये जिम्मेदार रहता है कि लोगों के अंदर दाढ़ी मूछ का आना, मसल्स जो होती हैं उनके स्ट्रेंथ या बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो पुरुषों की तरह नज़र आती है, जो आवाज़ होती है पुरुषों के अंदर थोड़ी भारी आवाज़ होती है, इसके लिए जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन के कंपैरेटिवली अगर एस्ट्रोजन की अधिकता होते ही गायनेकोमेस्टिया के सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है लेकिन टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ में एस्ट्रोजन की उनकी अधिकता नहीं है, तो गायनेकोमेस्टिया डेवलप नहीं होता है, उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता की वजह से जो बच्चे जन्मते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर माताओं के थ्रू एस्ट्रोजन बॉडी में पहुंचता है, उसकी वजह से उनके अंदर भी गायनेकोमेस्टिया डेवलप होता है और वो धीरे धीरे 2 से 3 वीक के अंदर स्वतः ही बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बच्चों के अंदर कम होने की वजह से स्वतः ठीक हो जाता है। सेकेंड जो चीज़ होता है दोस्तों, सेकेंड जो एज होती है प्यूबर्टी एज, जो 12 से 14 साल के जो लड़के होते हैं उनके अंदर अब्रप्टली एकदम से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स डेवलप होते हैं। उस स्टेज के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता नहीं होकर एस्ट्रोजन की होने लग जाती है, तो उनके अंदर धीरे धीरे गायनेकोमेस्टिया डेवलप होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके का जो गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, 6 महीने से 2 साल के अंदर स्वतः ही ये गायनेकोमेस्टिया ठीक हो सकता है। थर्ड जो एज होती है दोस्तों गायनेकोमेस्टिया के लिए, वो होती है आपकी 50 से 80 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, जिनके अंदर धीरे धीरे 50 साल के बाद में धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन की बॉडी के अंदर कमी आने लग जाती है, उसकी वजह से उनको गायनेकोमेस्टिया डेवलप होने लग जाता है। अब सेकंड जो चीज़ें बात करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया और कारणों की इस वजह से डेवलप हो सकता है, वो है आपकी मेडिकेशंस, यानी काफ़ी तरीके की दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं, प्रोस्टेट के लिए यूज़ करते हैं, एंटी कैंसर्स प्रोस्टेट के लिए यूज़ की जाती है, एंटी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन के जो लोग ऐसे दवाइयाँ यूज़ करते हैं, हार्ट की जो मेडिसिन होती है या एंटीबायोटिक होती हैं उनको, या एंटी कैंसर किसी भी तरीके की जो थेरेपीज़ होती हैं उनकी वजह से भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ में जो एंटी अल्सर जो ड्रग होती हैं, पेट में घाव बन जाते हैं उनके अंदर दी जाती है, या मेट्रानिडाजोल जो आपको पेट के लिए दी जाती है वो आपको दिक्कत कर सकती है, रेगलान या मेटोक्लोप्रामाइड एक साल्ट होता है जो उल्टी को रोकने के लिए यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी ये आपका गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ में दोस्तों जिन लोगों के किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, या हाइपोगोनेडिज्म है, जो गोनेड्स होते हैं या जो मेल जो आपके ग्लैंड्स होती है उनका धीरे धीरे साइज में अगर कम होते हैं, या हाइपरथायरॉयडिज्म जिन लोगों के साथ में समस्याएं होती है उनके अंदर गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो सकता है, या कुछ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जिन लोगों के अंदर मोटापा ज़्यादा होता है उनके अंदर भी ये गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि ये जो गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है इसके लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है, या कुछ केसेज के अंदर हार्मोन ट्रीटमेंट देके इस चीज़ को बैलेंस किया करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये इन चीज़ों के साथ साथ में कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं जिनको आसानी से गायनेकोमेस्टिया को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आसानी से ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक्स मेडिसिन होती हैं जो नेचुरल तरीके से बॉडी पे बिना किसी साइड इफेक्ट के वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या हार्मोन इम्बेलेंस को नॉर्मल करने के काम करती है, और उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है तो आसानी से गायनेकोमेस्टिया के जो केस होते हैं उनको हार्मोन होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जिनको देने से ये गायनेकोमेस्टिया ठीक होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह भी देना चाहूँगा कि हार्मोनल इम्बेलेंस इसके अंदर ज़्यादा प्रभावी रहता है, तो उनके अंदर खास रोल ये रहता है कि बॉडी के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन से जो हार्मोन्स का इम्बेलेंस जिस कारण की वजह से डेवलप होता है उस कारण का इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन बैलेंस स्वतः ही नॉर्मल स्टेज के अंदर नॉर्मल लेवल के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि इन मेडिसिन का दोस्तों कभी भी आप स्वतः ही इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करें, अपने नज़दीकी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से मिलकर आप सलाह लेके उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि खास खास जो मेडिसिन इसमें यूज की जाती है, सबसे खास मेडिसिन है केलकेरिया कार 30 और 200 पावर दोनों की ही इसके अंदर यूज़ की जाती है उन लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा थुलतले, फैटी टिश्यू डिपोजिशन ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा आता है, थुलतले और सुस्त लोग होते हैं,
कोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की अगर बॉडी के अंदर कमी आती है उसको मेंटेन करने के लिए किलक्रिया कार्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो मेडिसिन दोस्तों इसके लिए यूज़ की जाती है वो कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम दोस्तों ग्लैंड्स के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है, जिसके अंदर अगर साइज़ के साथ में टेंडरनेस उनको नज़र आती है, निपल्स के अंदर सॉरी ब्रेस्ट के अंदर हाथ लगाने से दर्द अगर महसूस होता है, गांठ जैसा हार्ड स्ट्रक्चर नज़र आती हो, तो उनके अंदर कोनियम मैकुलेटम का बहुत ही बेहतर वर्क रहता है। इसको 30 या 200 पावर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड मेडिसिन की दोस्तों बात करेंगे वो है फाइटोलका डिकेंड्रा। फाइटोलका डिकेंड्रा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उन केसेस के लिए जहां पर टेस्टोस्टेरोन की कमी के साथ में एस्ट्रोजन बढ़ने लग जाता है और जो ग्लैंड टिश्यू होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, उनके अंदर उसको कंट्रोल करने में वर्क करती है फाइटोलका। फाइटोलका के बाद में दोस्तों मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे वो है डेमियाना। डेमियाना मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल की जाती है उन केसेस के लिए जिन लोगों के टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से सेक्सुअल जो बिहेवियर होता है उनका चेंज होने लग जाता है, उसको कंट्रोल करने और टेस्टोस्टेरोन को साथ साथ में सेक्सुअल बिहेवियर को भी नॉर्मल करने के लिए यूज़ की जाती है डेमियाना मदर टिंचर। इसकी 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है दोस्तों वो है योहिम्बिनम। योहिम्बिनम 3x पावर के अंदर टेबलेट, एक एक टेबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा कमी या सेक्सुअल वीकनेस की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, साथ में उन लोगों के अंदर योहिम्बिनम यूज़ नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं, पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्प्लीन है, आंतें होती है, उनके अंदर अगर किसी भी वजह से स्वेलिंग या सूजन है उनको योहिम्बिनम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं एक मेडिसिन टेस्टोस्टेरोन 3x के बारे में। टेस्टोस्टेरोन 3x भी जिन लोगों के अंदर किसी भी कारण की वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है तो उस वजह से उस कमी को पूरा करने के लिए धीरे धीरे अच्छा वर्क करती है टेस्टोस्टेरोन 3x। तो दोस्तों इसकी एक एक गोली दिन में 3 बार ली जा सकती है। तो दोस्तों ये तमाम जो मेडिसिन होती हैं इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन सिम्टम वाइज सेलेक्ट करके दी जाती है होम्योपैथी के अंदर, तो इसके लिए ज़रूरत होती है आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छी सिलेक्टेड मेडिसिन लें जिससे आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको एक प्रॉपर टाइम के अंदर मिल सके। दोस्तों इन मेडिसिन को यूज़ करने का ये रहता है कि 2 से 3 महीने तक अगर कंटिन्यू यूज़ करते हैं तभी बेस्ट प्रॉपर सिलेक्टेड मेडिसिन का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कोई भी मेडिसिन अगर आपको अच्छी जानकारी है या आपको डॉक्टर सलाह करते हैं तो किसी भी मेडिकल होम्योपैथिक स्टोर से आप अवेलेबल हो जाती है। अगर ये अवेलेबल नहीं होती तो आप दिए गए स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन परचेज करके मंगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे से कंसल्ट करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप अपॉइंटमेंट लेके पेट कंसल्टेशन हमारे से ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो ही आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों किसी भी तरीके की क्यूरी हो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।